फ्रेंड्स, आज हम एक साइड रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपसे, जो कि कहने को तो साइड रेसिपी है, पर बहुत सारी जगह ये मेन कोर्स की तरह सर्व किया जाता है, खाया जाता है। इसे रोटी के साथ प्याज और ये लेके इसे खाते हैं लोग राजस्थान में। तो ये है लहसुन की चटनी, जिसे आप फ्रिज के बाहर रख के 15 दिन तक और फ्रिज के अंदर रख के 1 महीने 1.5 महीने तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और इसे आप चटनी की तरह ही नहीं, अपनी सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखें, इतनी जल्दी मेरी रोटी चट हो गई टेस्ट करने में। और इसी मसाले से मैंने ये इंस्टेंट पनीर बनाया है, ये देखें। तो अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, तो हम इसकी प्रॉपर रेसिपी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पे आगे बढ़ें इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो फिर साथ में रेसिपी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लहसुन छील के ले लिए हैं और उसे धुल भी लें, ये देखें इस तरह से। और इसको अगर हम इस तरह से कूट के अगर रखेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनता है, पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि इसको हम इसमें कूट के हम लें बनाएं। तो मैंने ग्राइंडर भी ले लिया है, तो ग्राइंडर में थोड़ा कोर्स ही ग्राइंड करेंगे हम, कि थोड़ा मोटा मोटा रहे, कुछ एक दाने इसके पूरे रहें और कुछ पेस्ट बन जाए, कुछ हल्के से दरदरे से रहें। तो इसी तरह से हमें इसे इसमें ग्राइंडर में पीसना है। तो इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे 1 पाव लहसुन के लिए, मैंने 250 ग्राम लहसुन के लिए 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। और ये यहाँ पे मिर्ची और नमक, हमेशा हम कहते हैं कि अपने हिसाब से आप डालें, घर में कैसा खाया जाता है उस हिसाब से डालें। तो यहाँ पे दो टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है, तो खटास भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए मैंने लिया। तो नमक टेस्ट के हिसाब से ही डालें, तो नमक भी मैंने यहीं पे ले लिया ग्राइंड करते हुए। और इसे अभी ग्राइंड करते हैं। तो ये देखें, बिना पानी के बिना तेल के मैंने किया है, तो थोड़ा दरदर अभी सही से नहीं हुआ है ग्राइंड, कुछ इस तरह से हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे आप तेल या पानी जो भी ऐड करना चाहें, अगर पानी आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से बहुत भूनना पड़ेगा ताकि इसकी सेल्फ लाइफ लंबी रहे। तो यहाँ मैंने तेल के साथ किया है, आप चाहें तो पानी के साथ इसे ग्राइंड कर लें। तो ये देखें, तेल के साथ मेरा बहुत अच्छे से काफ़ी अच्छा ये ग्राइंड हुआ। थोड़ा सा दरदरा है, चटनी का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा दरदरा ही रहता है, बहुत स्मूथ हमें नहीं चाहिए इसका पेस्ट, ये देखें कुछ इस तरह से। तो ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी होती है चटनी के लिए। तो यहाँ पे अभी सरसों का तेल ले लिया मैंने, तो तेल थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी में ले, अगर आपको इसे लंबे समय के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है, तो इसलिए तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा 4 से 5 टेबल स्पून लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने हींग लिया, 2 टीस्पून जीरा डाला इसमें और उसे भून लिया अच्छी तरह से, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी भून जाने के बाद ये मैंने पेस्ट सारा इसमें डाल दिया। तो ये ऐसे भी खाया जाता है इस स्टेज पे भी, जैसा मैंने पीसा ग्राइंडर से, और तुरंत इसे भी खाते हैं लोग, पर मुझे रखना है तो इसे भून लेना है। और अगर आपने पानी के साथ इसे पेस्ट बनाया है तो और अच्छे से भूनना पड़ेगा आपको स्टोर करने के लिए। ग्राइंडर जार से अच्छी तरह से इसे क्लीन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, भून लेते हैं। तो बहुत जल्दी भून जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑयल है इसमें ज़्यादा, तो भूनने में टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में। देखिए किनारे किनारे थोड़े थोड़े से ऑयल आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हमें चलाते हुए इसे भून लेना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। से हम बना के रखते हैं फ्रिज में, और जब जी चाहे अपनी किसी सब्जी में ऐड करना हो या रोटी चावल के साथ खाना हो, फटाक से ये। तो ये देखें, तेल पूरी तरह से अलग हो गया है। तो यहाँ पे हमारी ये चटनी तैयार है, रेडी टू सर्व। तो फिर गैस कुक कर देते हैं ऑफ। जल्दी देख लीजिए, ये तैयार है हमारी लहसुन की राजस्थान स्टाइल चटनी। तो यहाँ पे हमने पाउडर जहाँ पे ऐड किया था वहाँ पे आप खड़े कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च को भिगो के और फिर पेस्ट बनाए, तो बिल्कुल ये ट्रेडिशनल राजस्थानी चटनी रहेगी। लेकिन मैंने पाउडर मैंने डाला है, तो बस यही अंतर है थोड़ा सा। तो फिर बनाइए, खाइए,
और इस तरह की और भी चटनी की रेसिपीज़ मैंने आपसे चैनल पे अपलोड की है, शेयर की है, तो उसे एक बार ज़रूर चेक करिएगा। चैनल पे मैंने बहुत सारी इस तरह की साइड रेसिपीज़, पिकल्स, अनियन और बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की है, तो उसे एक बार चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगी सारी रेसिपीज़। और इस तरह की रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।